गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में पेज नंबर 6 की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पेज नंबर 7 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा सेकंड चैप्टर फुल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पूरी थ्योरी भी पढ़ ली एंड हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी किए एंड हमने स्किल शीट्स की एक्सरसाइज की बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। तो सभी बच्चे पेज नंबर 7 की 7 खोलेंगे अपनी स्किल शीट्स वाली बुक में। मैच द ऑप्शन प्रेजेंट इन देयर मेन्यू, हमें ऑप्शंस दिए हैं, हमें उनके मेन्यू से मैच करने हैं। तो बच्चों पिक्चर और वर्ड आर्ट स्टाइल कौन से मेन्यू में होता है? इंसर्ट मेन्यू में। और इंसर्ट मेन्यू में क्या होता है? क्लिप आर्ट। तो हमने क्लिप आर्ट, पिक्चर और वर्ड आर्ट स्टाइल्स किससे मैच कर दिया? हमने इंसर्ट मेन्यू से मैच कर दिया। हमारी थीम्स किस में होती हैं? डिज़ाइन मेन्यू में। तो हम थीम्स को किसके साथ मैच करेंगे? डिज़ाइंस के साथ। फिर फॉर्मेट पेंटर हमारे कौन से मेन्यू में होता है? होम मेन्यू में। तो हमने होम के साथ मैच कर दिया। अब स्लाइड शो हम कहाँ से करते हैं? व्यूज़ में जाके। और डिफरेंट टाइप के व्यूज़ क्या थे? नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और नोट्स पेन व्यू। और ये सारे व्यूज़ कहाँ होंगे? हमारे व्यूज़ मेन्यू में अवेलेबल। तो हमने स्लाइड शो को किसके साथ मैच कर दिया? हमने व्यू के साथ मैच कर दिया। एडिटिंग हम कहाँ से करेंगे? फॉर्मेट से जाके। तो हमने वहाँ से मैच कर दिया। और बच्चों हमें अगर स्लाइड ट्रांजिशन देनी थी, ट्रांजिशन टू स्लाइड, हम वो कौन से मेन्यू से जाते थे? एनिमेशन मेन्यू के अंदर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड का ऑप्शन होता था, हम वहाँ से सेलेक्ट करते थे। बच्चों ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। अब फिफ्थ एक्सरसाइज से हमें स्लाइड वो पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। बच्चों जब भी क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट, तो एटलीस्ट 8 to 9 लाइंस आप लोगों को लिखनी होगी इनमें की शॉर्ट नोट क्या है, तभी समझ पाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग फिफ्थ आंसर कंप्लीट करेंगे। द स्लाइड व्यू इज़ यूज टू गिव अ प्रेजेंटेशन टू योर ऑडियंस। स्लाइड व्यू किस लिए यूज़ करते हैं? हम स्लाइड व्यू यूज़ करते हैं अपनी ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। दिस व्यू डिस्प्लेज द स्लाइड्स ऑन द एंटायर कंप्यूटर स्क्रीन लाइक एन एक्चुअल प्रेजेंटेशन। हमारी जो स्लाइड व्यू होती है वो डिस्प्ले करती है स्लाइड्स हमारे पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। वी कैनॉट व्यू द मेन्यूज, रिबन एंड अदर टूल्स ऑफ द पावर पॉइंट इन दिस टाइप ऑफ व्यू। बच्चों हम लोग इसमें मेन्यू, रिबन और अदर टूल्स जो भी होते हैं पावर पॉइंट के नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो हमारी प्रेजेंटेशन व्यू होती है वो पूरे फुल स्क्रीन कवर करती है कंप्यूटर की, इसलिए हमें मेन्यू, रिबन्स और अदर टूल्स नहीं देखते हैं। वी कैन सी हाउ ग्राफिक्स, टाइमिंग्स, मूवीज, एनिमेटेड इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन इफेक्ट्स विल लुक ड्यूरिंग एक्चुअल प्रेजेंटेशन। हम लोगों ने जितनी भी ग्राफिक्स, टाइमिंग्स, मूवीज डाली हैं, हम देख सकते हैं कैसी लगेंगी हमारी प्रेजेंटेशन के वक्त। और हमें अगर स्लाइड व्यू एग्जिट करना है, मतलब उस व्यू को बंद करना है, तो हम प्रेस करेंगे ESC एस्केप की अपने कीबोर्ड से। अब इसमें हमारे हार्ड वर्ड्स क्या हैं? प्रेजेंटेशन स्पेलिंग PRESENTATION, प्रेजेंटेशन। ऑडियंस AUDIENCE, ऑडियंस। ग्राफिक्स GRAPHICS, ग्राफिक्स। टाइमिंग्स TIMINGS, टाइमिंग्स। ट्रांजिशन TRANSITION, ट्रांजिशन। एनिमेटेड ANIMATED, एनिमेटेड। एफेक्ट्स EFFECTS, एफेक्ट्स।
पावर पॉइंट, PowerPoint, पावर पॉइंट। एग्जिट EXIT, एग्जिट। एंड टाइमिंग्स की TIMINGS टाइमिंग्स। तो बच्चों आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोग पेज नंबर 7 की एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे।